हेलो एवरीवन। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स को। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपको फंक्शन दिया हुआ है जो कि एक्स और वाई का कंबाइंड फंक्शन है। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो दीज आर द आंसर्स। इसको हम कैसे लेके आते हैं, लेट्स स्टार्ट। चूंकि यहाँ पे वाई जो है कॉन्स्टेंट है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, पार्शियली, तो वो हमने बाहर लिख दिया एज इट इज, और जो जिसके अंदर एक्स है उसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, एज इट इज हमने लिख दिया। ये एज इट इज आ गया। अगेन टेन का फार्मूला होता है कि वो उसको हम लिखते हैं डेरिवेटिव वन ओवर वन प्लस जो टेन के साथ जो भी एंगल होता है उसका स्क्वायर इन टू हम मल्टीप्लाई कर दें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जो भी इन साइड वाला एंगल होता है उसका, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब इसको इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर लिया, ये एज इट इज आ गया, और ये चूंकि एक्स के विद रिस्पेक्ट हमने डेरिवेटिव ले लें तो ये वन ओवर वाई आ गया। अब इसको हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये स्क्वायर जो है इस वाई के साथ कट जाएगा और ये वाई ऊपर चला जाएगा तो वाई पावर वन आ गया, और ये नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वन ओवर थ्री प्लस वन करेंगे तो उसे हमारे पास वाई पावर माइनस वाई की पावर माइनस वन और टू आ जाएगा, और नीचे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आंसर ऊपर दिया हुआ है। अब जो दूसरा वाला है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। हमारे पास वाई जो है वो दोनों वैल्यूज के अंदर है, तो हम पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, टेंजेंट वाला एज इट इज लिख देते हैं। अब फर्स्ट वाला एज इट इज लिख देते हैं और टेंजेंट वाले का पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव पावर फ्रंट पे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये माइनस फाइव बाई टू आ जाएगा, और ये तो एज इट इज आ गया। अब ये एज इट इज आ गया। टेन का हमने ऊपर भी किया था कि वन डिवाइड बाई वन प्लस जो भी टेन के साथ होता है उसका स्क्वायर इन टू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल जो भी टेन के साथ होगा, टेन इनवर्स के साथ। तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, दैट मीन्स कि यहाँ पे वाई आपके पास इस तरह है तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। इसका हमने एलसीएम लिया और जो वाई स्क्वायर आया था उसको हम ऊपर लेके गए तो वो ये आ गया, तो ये वाई स्क्वायर इस वाई के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, आपके पास माइनस एक्स टाइम ये चीज और ये चीज रह जाती है और यहाँ पे ये, तो आप इसको रीअरेंज करें तो वो ये फॉर्म बनेगी। 34 में अगेन सिंपल प्रोडक्ट है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें एक्स ये वाला कांस्टेंट डील होगा वो एज इट इज आ गया, इसको डिफरेंशिएट करें तो थ्री टाइम्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें अगेन ये एज अ कांस्टेंट डील होगा एज इट इज आ गया। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड थीटा टेन थीटा, अब यहाँ पे थीटा क्या है स्क्वायर रूट एक्स है तो हमने लिख दिया सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स टेन स्क्वायर रूट एक्स, और फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव भी लेते हैं। इन साइड क्या है ये एंगल, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है वन ओवर टू पावर माइनस वन ओवर टू, ये हमने इसका डेरिवेटिव किया, पावर फ्रंट पे आ जाता है, पावर में से एक माइनस करते हैं तो हमारे पास ये वाली चीज बन जाती है। अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये देखें ये कांस्टेंट डील होगा तो एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल का एज इट इज, फिर ऊपर पावर जो होती है उसका डेरिवेटिव, तो माइनस वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा माइनस वन, तो इसीलिए ये माइनस आ गया। अब अगेन ये कॉन्स्टेंट डील होगा तो ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा थ्री वाई स्क्वायर। 35 में अब ये पावर रूल में, तो पावर रूल में पावर फ्रंट पे आ जाती है, पावर में से एक माइनस कर देते हैं तो वो ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमने इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेना होता है, अब चूंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वाई स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। टेन का डेरिवेटिव क्या है सीकेंड स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो अगेन पावर रूल के मुताबिक पावर जो है वो फ्रंट पे आ जाएगी माइनस फोर ओवर थ्री, ठीक है, पावर में से एक माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमने इनसाइड वाले का डेरिवेटिव लेना है, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो टेन एज इट इज आ जाएगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है टू वाई, तो इसलिए ये टू फोर के साथ मल्टीप्लाई होके ये आंसर देता है। 36 में अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि एक्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो फर्स्ट वन एज इट इज लिख दिया, सेकंड का पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज लिख दिया, फर्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव। अब फर्स्ट एज इट इज इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल है तो पावर में टू फ्रंट पे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो गया,
और फिर पावर के अंदर कौन सी चीज है, साइन हाइपरबोलिक है तो उसका स्क्वायर लिया, साइन हाइपरबोलिक का कॉस हाइपरबोलिक होता है, और फिर उसके अंदर एंगल में कौन सा है, एक्स वाई स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह इसमें आते हैं तो ये एज इट इज आ जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव क्या होता है साइन हाइपरबोलिक, और अभी पावर एंगल के अंदर क्या स्क्वायर रूट एक्स है तो स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है। विद रिस्पेक्ट टू अब क्या करेंगे वाई करेंगे तो वाई सिर्फ इसके अंदर है, ये एज इट इज आ जाएगा एज अ कॉन्स्टेंट, एज इट इज एज अ कॉन्स्टेंट आ गया। इसमें पावर रूल लगाएंगे तो टू फ्रंट पे आ जाएगा और साइन पावर में से एक माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो इसके अंदर वाली चीज है पावर के अंदर वो क्या है साइन हाइपरबोलिक, उसका डेरिवेटिव क्या है कॉस हाइपरबोलिक, अब वो आ गया, अब इसके साथ भी एंगल है अंदर, इसका डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वो 2xy आ जाएगा, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे y भी है तो ये 4xy बाकी सेम ही है। अब आगे जो है वो थोड़ा सा सिंपल है, विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना और ये वैल्यूज निकालनी है, तो सबसे पहले तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, a की x है तो ये उसका पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब x की जगह पे 3 और y की जगह पे 1 पुट कर दे, y तो है ही नहीं, जब यहाँ 3 पुट करते हैं तो ये आंसर होता है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे y है वो ये आ जाएगा, और आपने 3 and 1 पुट करना है, x की जगह पे 3 y की जगह पे 1 y की जगह पे यहाँ 1 पुट करें तो ये आंसर आता है। 38 भी सिंपल है विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y। अब ये जो है थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, वाई स्क्वायर वाई कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेते हैं, बल्कि एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं और ई टू द पावर एक्स वाई जो है उसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो ई टू द पावर एक्स वाई एज इट इज आएगा और फिर पावर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा तो ये आ जाएगा, फिर प्लस, अब एक्स वाई तो अगेन कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x और ये एज इट इज आ जाएगा, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर दे तो यही फॉर्म बनेगी। इसमें आप x और y को 1-1 पुट करें तो ये e पावर 1 आ जाएगा, ये भी e पावर 1 आ जाएगा और ये 1-1 2, तो 2 + 1 = 3 पावर e पावर 1 या सिर्फ e लिख दें। अब विद रिस्पेक्ट टू y करना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर आ गया, y एज इट इज रहने देते हैं, e पावर x का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो ये बन जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अगेन एज इट इज, y का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वो 1 आएगा और ये एज इट इज आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो यही चीज़ बनेगी। इसमें x और y की जगह पे 1-1 पुट के कर दें तो आपके पास 2e पावर 1 आ जाएगा। 39 में अगेन सिंपल चीज है, इसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस करेंगे और फिर इनसाइड वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो इनसाइड वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा 2x, तो ये इसके साथ कैंसिल आपके पास, और ये माइनस नहीं है सॉरी प्लस है तो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें x की जगह पे 1 y की जगह पे 2 पुट कर दें, सिंप्लीफाई कर दें, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो अगेन सेम ही चीज़ होगी, पावर फ्रंट पे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस हो जाएगा। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका तो 0 आएगा, इसका क्या आएगा 8y, तो ये हमारे पास ये 8 is 2 के साथ कैंसिल होकर 4 आ जाएगा, तो 4y ये चीज़। अब इसमें अगेन 1 और 2 पुट कर दें, गेट द आंसर। 48 में x और y अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, हमने विद रिस्पेक्ट टू x करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स वाई, और फिर हमने इनसाइड वाले का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो आएगा ये, फिर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और cos एक्स वाई एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये चीज़ आ जाती है। इसमें x की जगह पे 1, y की जगह पे पाई पुट कर देंगे कर दिस थिंग। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y सिर्फ इसके अंदर है, एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा
और इसकी जगह पे माइनस साइन एक्स वाई आ जाएगा, और फिर हम इनसाइड वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो एक्स आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ताकि इसमें सिंपल वैल्यूज पुट कर दें। अगेन अब तीन वेरिएबल्स हैं तो बाकी सारे कांस्टेंट डील होंगे, सिर्फ वही वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं वो वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये दोनों एज इट इज आएंगे, कांस्टेंट डील हो रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो सिर्फ वाई आ जाएगा, यहाँ पे है ही नहीं, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, अब ये दोनों कॉन्स्टेंट है, वो एज इट इज आ गए, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब सॉरी जेड क्यूब, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4y³। यहाँ पे सिर्फ x आ जाएगा, तो यहाँ पे साथ दोनों जीरो। विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो ये दोनों कॉन्स्टेंट होंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई फोर, और जेड क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3yz², और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2z, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब वैल्यूज हमारे पास सारी आ गई हैं एक्स वाई और जी की। अब वो कह रहे अगर हम इसमें एक्स को वन पुट कर दें, तो सिंपल इसमें एक्स को वन पुट कर दो, ये गेट दिस थिंग। अगर इस वाले में एक्स को वन पुट कर दें तो ये गेट दिस थिंग, और इसमें अगर 1, 2, 3 पुट कर दें सॉरी जेड एक्स को 1 और वाई को 2 पुट कर दें इस वाले में, तो ये गेट दिस थिंग। और अगर एक्स को 1 वाई को 2 और जेड को 3 पुट कर दें इस वाले में, तो ये गेट दिस थिंग। 42 में भी सिमिलर चीज़ें, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, इसका डेरिवेटिव 2x। विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है तो ये दोनों एज इट इज आ जाएंगे, y का डेरिवेटिव 1, तो ये आ गया। विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये दोनों कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ जाएंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जेड है, तो ये माइनस ये चीज़ आ गई। अब उसने अगेन x की जगह पे 2 पुट कर दो इसमें, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 पुट कर दो इस वाले में, ये गेट दिस थिंग। और इस वाले में x की जगह पे 2, y की जगह पे 1, और z की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये गेट 0। आगे अगेन f पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड g। f को f ये गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये एज इट इज आ गया, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1 ओवर x स्क्वायर y cos z, और फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेंगे, तो इसमें cos और sin जो है वो क्या है कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा x स्क्वायर का, ये तो ये cos y इसके साथ कैंसिल, ये x इसके साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/x, और ये z तो एज इट इज ही है क्योंकि ये तो कांस्टेंट था। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू अगर y करेंगे तो अगेन z एज इट इज आएगा, ये वाला ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर y cos z, और फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे इन साइड वाले का, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर cos z, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, z का डेरिवेटिव 1, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर वाई cos z एज इट इज आ जाएगा। अब फिर नेक्स्ट z को एज इट इज रहने, इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, तो एक्स स्क्वायर वाई cos z, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव इसका वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई साइन जेड, तो ये इसके साथ कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, तो साइन बाई कॉस किसके इक्वल होता है टेंजेंट के, तो वही आ गया। 44 में अगेन आपने सिमिलर चीजें करनी है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड और टेन, और उसके बाद हम इनसाइड वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंगे तो वो आ जाएगा जेड बाई वाई, ये वाई जब ऊपर चला जाएगा तो माइनस वाई, इसको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव लें, ठीक है, इसको एज इट इज रहने दें, बल्कि सॉरी इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है, वाई माइनस 3/2, इसका डेरिवेटिव लिया तो सीकेंड ये,
और विद रिस्पेक्ट टू वाई इनसाइड वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो वो माइनस आएगा, माइनस वन और वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इसमें से माइनस होगा तो ये प्लस माइनस टू, ये हमारे पास इसमें से आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस प्लस करना होता है, प्लस ये एज इट इज आ जाएगा, सेकंड एज इट इज आ गया और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस थ्री ओवर टू वाई, माइनस थ्री ओवर टू माइनस वन। अभी जो माइनस थ्री ओवर टू है तो इस प्लस को माइनस कर देता है इसलिए ये आ गया, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये पावर ये आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो जेड सिर्फ इसके अंदर है तो वाई पावर माइनस थ्री ओवर टू एज इट इज आएगा, सीकेंड का डेरिवेटिव होता है सीकेंड टेन, और फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो वो आ जाएगा एक्स ओवर वाई, ये वाई ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पावर ऐड करेंगे हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ये एक्स एज इट इज। 45 में टेन इनवर्स का है तो टेन इनवर्स का भी हमने बात की थी कि वन प्लस जो भी उसका होता है उसका स्क्वायर, और फिर जो पावर होती है वन ओवर एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपने करना होता है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, वन डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ये बन जाएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर वाई फोर जेड सिक्स, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे इसका, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई फोर जेड सिक्स प्लस वन, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें तो माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये वन डिवाइडेड बाय, तो ये ऊपर चला जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी, तो एक्स फोर सॉरी एक्स स्क्वायर वाई फोर जेड सिक्स है, तो स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, ये टू फोर के साथ तो टू रह जाएगा, ये थ्री सिक्स में थ्री रह जाएगा, तो ये देखिए ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, एंड दिस नेगेटिव वुड कम हियर। इसी तरह आप सेम प्रोसीजर आप कर सकते हैं फॉर वाई स्क्वायर, एंड द सेम प्रोसीजर वी कैन सो विद रिस्पेक्ट टू वाई, एंड द सेम प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू जेड। अब इसको करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट है एज इट इज आ गया, इसमें से पावर रूल लगेगा तो पावर फ्रंट पे आ जाएगा, पावर फ्रंट पे आ गया एज ए टू, और पावर में से एक माइनस कर दिया तो ये आ गया, और फिर जो इनसाइड है ये साइन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉश डेरिवेटिव, और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो टू टाइम्स एक्स एक्स सॉरी टू टाइम्स यस टू टाइम्स एक्स वाई जेड, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आ गया फोर टाइम्स एक्स वाई जी, एंड बाकी तो क्लियर है। अगेन इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो भी सिमिलर ही है, ये एज इट इज आएगा, पावर रूल से टू फ्रंट पे आ गया, पावर में से एक माइनस कर दिया, साइन का डेरिवेटिव लिया कॉज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया तो वो एक्स स्क्वायर जेड आ जाएगा, इसको टू से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज। विद रिस्पेक्ट टू जब जेड करोगे तो आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है, ठीक है, ये एज इट इज आ गया, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो टू फ्रंट पे आ गए, पावर में से एक माइनस होगा, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉज आ गया, फिर इनसाइड वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड करें तो एक्स स्क्वायर वाई इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई। फिर प्लस लिखते हैं, अब इसको एज इट इज लिख देते हैं, सॉरी ये इस वाले को एज इट इज लिख दिया, और इसका डेरिवेटिव लेना तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस, इस कॉस में हाइपरबोलिक में माइनस नहीं होता सारे प्लस ही होते हैं, तो कॉस हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक जेड आ गया, और फिर इनसाइड का डेरिवेटिव जेड, इसका डेरिवेटिव हमें ऑलरेडी पता है कि वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। जो बाकी चार क्वेश्चन है दे वेरी सिंपल, आपके पास अगेन ये दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये दोनों कॉन्स्टेंट एज इट इज आ गए, सॉरी ये और ये, इसका डेरिवेटिव होता है कॉज, फिर इनसाइड वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा जेड, तो वही आ गया। विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे
तो वाई तो इसमें है ही नहीं, तो ये दोनों एज इट इज आ गए। वाई का डेरिवेटिव वन है तो वन, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, ई पावर जेड एज इट इज आ गया, और बल्कि इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ई पावर जेड का डेरिवेटिव ई पावर जेड ही आएगा, साइन एक्स जेड फिर वाई ई पावर जेड एज इट इज आ गया, और साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉज एक्स जेड, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स आ जाएगा। तो अब इसको देखिए, इसमें से ये कॉमन ले लें, ये कॉमन, ये तो यही चीज बनेगी। 48 में नीचे एक्स है नहीं, तो वन ओवर वाई स्क्वायर प्लस जेड एज ए कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और इसका जीरो हो गया तो ये आ गया 2x डिवाइड बाय दैट थिंग। विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो y नीचे भी ऊपर भी है, आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन टू लगाना पड़ेगा, ये एज इट इज आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y, और फिर नीचे वाले इसका स्क्वायर तो ये, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। और z के लिए भी, z के लिए अब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको अगर हम ऊपर लेके जाए तो ये पावर माइनस वन हो जाएगी, तो डेरिवेटिव इसका लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड तो माइनस वन फ्रंट पे आ जाएगा पावर, और पावर में से एक माइनस कर देंगे, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव टू जेड हो जाएगा, इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये आपके पास ये चीज है। 49 में पावर वन ओवर टू है, स्क्वायर रूट का मतलब यही है, पावर फ्रंट पे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो माइनस वन ओवर टू हो जाएगा, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू एक्स करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो टू एक्स कैंसिल, तो ये आ गया। सिमिलर चीज, सिर्फ एक्स वाई जी चेंज हो रहा है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये चीज आएगी, वाई क्यूब कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव एज इट इज ये चीज, फिर इन साइड वाले का पावर का डेरिवेटिव वो क्या होगा टू, तो वही आ गया। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो ये एज इट इज आ गया, वाई का डेरिवेटिव थ्री वाई स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो वाई क्यूब एज इट इज आ गया, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, पावर का डेरिवेटिव थ्री जेड का डेरिवेटिव क्या होगा थ्री, तो वही आ गया। थैंक यू।